हेलो स्टूडेंट्स क्लास से ये आपकी इंग्लिश है और ये इंग्लिश का लेसन नंबर इलेवन जिसका नाम है फ्रेंड्स और ये फाइनल टर्म का है लेट्स स्टार्ट आर रीडिंग दीप्ति हैड ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स दीप्ति के बहुत सारे दोस्त थे शी ऑलवेज़ हैड अ जॉयफुल स्माइल एंड प्लेजेंट थिंग्स टू सी टू दैम और वो हमेशा उनके साथ अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक मज़ेदार बातें करती थी दे लवड हर वेरी मच और सारे उसके फ्रेंड्स उसको पसंद करते थे प्यार करते थे हर बेस्ट फ्रेंड्स नेम वॉज़ गना और उसकी बेस्ट फ्रेंड अच्छी फ्रेंड का नाम गिना था दे वेरी क्लोज फ्रेंड्स वो बहुत ही एकदम क्लोज फ्रेंड्स से क्लोज़ फ्रेंड्स कौन से होते हैं जिनसे आप सारी बातें करते हूँ Sorry, they were also very close family friends. तो so, वो बड़े ही उनकी जो families थी ना वो भी आपस में बड़ी friend थी। यानी कि उनकी families भी आपस में बातचीत करती थी अच्छे friends थे वो They not only met in school but also often at home. तो क्योंकि families भी उनकी friends थी तो uh, school में भी मिलते थे और वो घर भी आपस में मिलते थे बर्थ डे सीयर गिना इस बर्थ डे समहाउ स्लिप्ट फ्राम दिप्तिज माइंड लेकिन इस साल क्या हुआ कि गिना का जो बर्थडे था वो दिप्ति के माइंड से निकल गया एट स्कूल दिप्ति डिड नॉट विश गिना अप्पी बर्थडे तो स्कूल में दिप्ति को याद ही नहीं रहा उसको विश करना गिना को हैप्पी बर्थडे एज द डे पास्ट गिना फेट सैड और जैसे ही दिन गुजरा तो गिना को बहुत बुरा लगा कि देखना मेरी बेस्ट फ्रेंड है और उसको याद ही नहीं रहा मेरा बर्थडे और नाइस ने मुझे विश किया शी क्वाइटली

तो स्कूल के बाद जब वो घर गए तो घर जाके उसने आ, ने उसको एक कॉल किया टेलीफोन कॉल की बातचीत की लेकिन तब भी दीप्ति को याद नहीं रहा उसका बर्थडे गिना वॉन्टिड टू टेल समथिंग टू दीप्ति बट डिड नॉट नो वट टू से अब गिना उसको कुछ बताना चाहती थी लेकिन उसको ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं इसको कैसे बताऊँ द टू हंग अप द फ़ोन्स एंड जस्ट देन दीप्ति रियलाइज्ड इट एंड हर बेस्ट फ्रेंड्स बर्थडे तो क्या हुआ कि दोनों ही फ़ोन पर थे तो बातचीत चल रही थी तभी उस दीप्ति को थोड़ा सा रियलाइज होता महसूस होता कि ओ आज तो इसका बर्थडे है गिना का ओ डियर शी सेड वाइल्ड स्टेयरिंग एट द कैलेंडर शी सेड तो वो स्टेयरिंग होता है देखना घूरना ऐसे किसी चीज़ को लगातार देखना तो वो कैलेंडर को देख तरफ नज़र दौड़ाती है और कहती है कि ओ द डेट वॉज क्लियरली मार्क्ड एंड दैट वॉज दीप्ति फील्स सो बैड तो वहाँ पे जब वो कैलेंडर की तरफ़ देखती है तो वहाँ पे उस डेट को मार्क भी किया होता है किसने दीप्ति ने पहले से ही मार्क करके रखा होता है कि इस दिन मेरे फ्रेंड का बर्थडे है तो आई हैव बिन सो फुलिश सो सॉरी आई हैव बिन सो सेल्फिश कि मैं कितनी सेल्फिश uh, थी गिना मस्ट थिंक आई डोंट केयर फॉ ह तो मैं ये चैप्टर ना यहीं पर वो सोचती है कि गिना क्या सोच रही होगी मेरे बारे में तो मैंने थोड़ा सा आगे पढ़ लिया हुआ है लेकिन आई एम मार्किंग हेयर टू क्लोज़ दिस चैप्टर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू टू मारो ओके रीड इट आफ्टर पॉजिंग द वीडियो